आज बहुत दिन बाद हम बाहर जा रहे हैं, उधर दिखेगा ही नहीं, इधर देखो। ये मीका का फैशन भाई, हाथ तो हटा, वो फैशन ही नहीं दिख रहा तेरा। अब मेरा फैशन दिखा। ये वाली टी शर्ट अर्बेनिक से, ये वाली और वो येलो वाली। Isn't it beautiful? मेरे शूज भी यही है। Beautiful? हाँ, पति का फैशन, सिंपल फैशन। वैसे हमारे सबने सिंपल सिंपल ही फैशन किया है। मैं सिंपल नहीं किया, सिंपल ही है, बहुत अच्छा है, इसको सिंपल ही कहते हैं। आ गए हम पोस्ट ऑफिस खाना खाने। हम आ गए, आ गए, तेज नहीं है बारिश, बारिश हो रही है। हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में ले लिया, ऊपर लेंगे ना। थैंक यू। इंग्लिश सॉन्ग्स चल रहे थे इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं। और मीका का मोहित तो आ चुका है, और मीका अपने हर फूड का ना फूड ब्लॉगर की तरह फोटो ज़रूर खींचती है। कॉफी ड्रिंक्स बहुत अच्छे होते हैं, सारी मॉकटेल्स बहुत बहुत टेस्टी होती है। वेजिटेरियन लोगों की ज़िंदगी में ना अगर पनीर नहीं होता ना तो बेस्वाद होती थी हमारी ज़िंदगी। तो हमने मंगाया पनीर, सिंगापुरी ब्लैक गार्लिक पनीर और मशरूम, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है हमारे यहाँ वसई में के पोस्ट ऑफिस में। और एक चीज़ दिखा रही हूँ, यहाँ पर इतने सारे CCTV लगे हुए हैं, इतने सारे क्यों लगे हुए, एक दो से काम नहीं चल सकता था। और इनका जो इंटीरियर है ना थोड़ा ऐसा मतलब रगड़ टाइप का है, मतलब टिन के डब्बों में लाइटें हैं, साइकिल के टायरों में लाइटें हैं, अच्छा लगता है हमको। खा लिया भाई आज तो, बढ़िया बढ़िया खा लिया। और अब हम जा रहे हैं मॉल, और हमारा तो स्टार्टर में पेट भर जाता है, पूछता ही रह जाता है वो मेन कोर्स मैडम, सर मेन कोर्स नहीं हो गया हमारा। और ऐसी इच्छा हो रही थी कि आज घर नहीं जाए, तो हम लोग आ गए मॉल। और मीका ने ना अभी रिसेंटली उसके फ्रेंड ने उसको ये सिंगल लाइनर स्केट सिखाए हैं, और अच्छा कर रही है वो, तो हमने सोचा मीका को भी दिला देते हैं। तो हमने वहाँ से नहीं दिलाया क्योंकि ये देखो बजट थोड़े से देखना पड़ता है, 4000 के स्केट्स थे, और अभी फ़िलहाल मुझे ऑनलाइन ना 1600 समथिंग के मुझे मिले हैं, तो मैंने वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए, सेम स्केट्स हैं। अभी आएंगे तो पता चलेगा, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिर हम ऊपर चले गए, और हम मतलब अभी अभी हमने ये नई चीज़ खाना शुरू की, नई नहीं है लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हम अब खा रहे हैं। तो ये बेल्जियन वेफल जो है बड़े टेस्टी होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बेल्जियन वेफल मंगा लिया, फिर दूसरा कुछ आइटम मंगा लिया, फिर तीसरा कुछ आइटम मंगा लिया, हम ऐसे करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं, तो ऐसा डिफरेंट वैरायटी खाने में आ जाती है। वरना है ना, सपोज एक बेल्जियन वेफल उसने मंगाया, फिर एक इन्होंने मंगाया, एक मैंने मंगाया, मतलब तीन हो गए, तीन तीन हो गए, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता, ऐसे शेयरिंग में मज़ा आता है। इसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। और वैसे भी जिस दिन हमको बाहर खाना होता है ना, थोड़ा सा तो ध्यान में रख के ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर इतना शुगरी कंटेंट इसमें होता है, इन सब चीज़ों में अगर सब कुछ मैं खाने लग जाऊंगी तो मेरा वैसे ही, अगर मैं सिर्फ एक दिन खाती हूँ, 5 डेज में अपना डाइट करती हूँ, और सिर्फ एक दिन मैं खाती हूँ, और उस एक दिन में मेरा जो 5 दिन का किया धरा होता ना वो बराबर हो जाता है, तो मेरे को वही मेंटेन करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। तो इस चक्कर में ना मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, बहुत मतलब बहुत सोच सोच के खाती हूँ मैं, ज़्यादा शुगर नहीं खाती। और ये हमारे वसई का जो है ट्रेन है, वहाँ पे देखो बैक वाटर्स हैं, तो बहुत ही सुंदर है। एंड दिस आइसक्रीम एक्चुअली संडे बनाया उसने, अमूल वाले ने पता नहीं कैसा संडे बनाया उसने, मतलब कम बनाया उसने, नॉर्मली इतना कम संडे नहीं होता, संडे अच्छा बड़ा फुल होता है, उसमें बिस्किट विस्किट और होते हैं, कम बनाया उसने। तो मैंने तो खैर नहीं खाया वो संडे, मैं मुझे तो आइसक्रीम फलूदा खाना था, जो फलूदा भी उसने शेक जैसा बना दिया था, तो मज़ा नहीं आया। ऐसे तो हमारा ठेले वाला ज़्यादा अच्छा बना देता है।
तो फिर बस आइसक्रीम खा के और हम लोग नीचे थोड़ा शॉपिंग करने चले गए। हस्बैंड ने भी बहुत दिनों बाद थोड़ी शॉपिंग की, इनको जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह दिलाई। और भाई हम गृहस्थ इंसान है तो हम तो स्टार बाज़ार चले गए, थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी खरीद ली, घर आके पुए पकौड़ी बना लिए, खा लिए और हमारा दिन हो गया ख़त्म। हम रखते हैं अपना फ़ोन और आपसे लेते हैं विदा। और एज यूजुअल मैं सेम डे अपनी वीडियो को एंड नहीं कर पाई तो आज एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो करते नहीं हो आप तो प्लीज कर दिया करो, ठीक है। बाय, गुड नाइट।